देवेंद्र कोठारी बात कर रहा हूँ। ये वीडियो बना रहे हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग के सीज़न 2019 के लिए, जो कि 5 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग का कोई कंफर्म नहीं था कि सीरीज़ लाइव आएगी, बट डी स्पोर्ट्स पर ये सीरीज़ लाइव आएगी। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप इसका शेड्यूल चेक करें तो 12 बजे मैच है पहला, और दूसरा है 5 बजे। बिग बैश का मैच स्टार्ट होता है 1:45 पे। दैट मीन्स कि जो पहले मैच लाइव होगा, जो पहले मैच स्टार्ट होगा, मार्केट उसके अंदर शिफ्ट हो सकता है। तो पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट BPL के अंदर शिफ्ट हो जाए। और जिस टाइप का ये टूर्नामेंट चल रहा था बिग बैश, जो कि प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को बताया था कि 40-60% मैचेस फ्लैट होंगे, तो 19 में से आप देख सकते हैं कि 3 या 4 ही जैकपॉट मैचेस हुए, बाकी मैचेस ऑलमोस्ट फ्लैट हैं। हालांकि BPL में हमारा काम भी उतना अच्छा नहीं रहा, बट इसको कवर अप करेंगे। तो आपके सबसे सबसे अच्छी चीज़ ये कि मार्केट BPL के अंदर शिफ्ट होता, कि आप लोगों को अच्छे मैचेस मिले, इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो टूर्नामेंट अच्छा होगा। तो बस यही है कि अगर मार्केट BPL के अंदर शिफ्ट होता है तो आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ है। दूसरा, बांग्लादेश प्रीमियर लीग के बात अगर हम बात करें तो 3 ग्राउंड्स पर मोस्टली मैचेस खेले जाते हैं। पहला है ढाका का, दूसरा है सिलेट का, तीसरा है चिटगोंग का। तो शेड्यूल उठा के देखें तो 28 मैचेस ढाका में खेले जाएंगे, 10 मैच चिटगोंग में और 8 मैच सिलेट में खेले जाएंगे। अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड उठा के देखते हैं इन ग्राउंड्स के, तो एवरेज स्कोर 150-160 है। दूसरा, मैचेस नाइट में खेले जाते हैं, तो इंडिया बांग्लादेश में विंटर्स के टाइम में ड्यू का बहुत ज़्यादा फैक्टर रहता है, जिसके अंदर बैटिंग ईजी होती है और चेजिंग में ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो इस वजह से भी सेकंड बैट का डोमिनेंस ज़्यादा रहता था, चेजिंग का डोमिनेंस ज़्यादा रहता था। अगर आप पुराने खिलाड़ी हैं तो आप इस चीज़ से पूरी तरह से अवेयर होंगे कि कई बार अगर कोई टीम 70 पैसे अनफेवरेट है बंद भाव में, और अपोजिट टीम टॉस जीती है, तो भाव में सड़ना आप होता था, ये वो दूसरी टीम फेवरेट आ जाती थी। तो इससे इसका आप लोगों को ध्यान रखना है कि चूँकि मैचेस 12 बजे हैं, 5 बजे हैं, तो ड्यू फैक्टर इतना नहीं रहेगा, रहेगा ही नहीं। या आप बोल सकते हैं कि काफ़ी अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर्स अभी टीमों में आ गए हैं, तो ये नहीं कि कोई इनएक्सपीरियंस है, लोकल इनएक्सपीरियंस है, तो काफ़ी अच्छी पंटर फ्रेंडली टूर्नामेंट बनने का पूरा पूरा चांस है। तो मोस्टली ढाका और चिटगोंग में फर्स्ट बैट ज़्यादा विन होता है, स्लो टर्निंग विकेट्स होते हैं जहाँ पर फर्स्ट बैट को ज़्यादा हेल्प मिलती है, और सिलेक्ट के ग्राउंड मोस्टली चेज के लिए मैं प्रेफर करता हूँ। दूसरा, एक चीज़ सोचने वाली ये है कि जब एक ही ग्राउंड पर कंटिन्यूस मैचेस होते हैं तो स्टार्टिंग के फेज़ में विकेट फ्रेश रहते हैं, तो आप लोगों को हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिल सकते हैं कि 160-170 बन रहा है और वो चेज भी हो रहा है। ऐसा हो सकता है स्टार्टिंग के 3-4-5-6 मैचेस को पंटर फ्रेंडली बनाने के लिए। तो जैसे जैसे एक ग्राउंड पर जितने ज़्यादा ज़्यादा मैचेस होते जाएंगे, हो सकता है कि विकेट उतने ज़्यादा स्लो होते जाएँ, तो आप लोगों को बीच में एक आधा छोटा स्कोर का मैच या एक लो स्कोर डिफेंड आप लोगों को देखने को मिल जाए। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर हम शेड्यूल चेक करें तो स्टार्टिंग के 14 मैचेस ढाका में खेले जाएंगे, तो हो सकता है कि स्टार्ट के 5-6 मैचेस हों, अच्छा स्कोर बने, वो चेज हो जाए या डिफेंड हो जाए। तो दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ढाका और चिटगोंग मेरी तरफ से डिफेंड के ग्राउंड है और सिलेट चेज का ग्राउंड है। दूसरा, पंटर्स की टीम कौन सी होगी? मेरी तरफ से पंटर्स की टीम 2 है, पहली है चिटगोंग और दूसरी है कोमिला। बुकीज की टीम 2 है मेरे हिसाब से, पहली है रंगापुर और दूसरी है ढाका डायनामाइट्स। तीसरी एक टीम और मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, सिलेट सिक्सर, जो मोस्ट ट्रस्टेबल टीम अकॉर्डिंग टू मी है, जिसके ऊपर आप सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। तो ये टीम्स मैंने आप लोगों को दे दी हैं, बुगीज़ की टीम, पर पंटर्स की टीम और मोस्ट ट्रस्टेबल टीम। ग्राउंड्स का मैंने आप लोगों को बता दिया है। दूसरा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम यूज़र आईडी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है टेलीग्राम ग्रुप में एडेड होने में, जहाँ पर हम मैचेस कराते हैं आप लोगों को, तो आप व्हाट्सअप पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8233-368941, 8283-36-89-41। अगर आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में एडेड होने में कोई दिक्कत होती है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आप उनको व्हाट्सअप कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप आप लोगों को प्ले स्टोर पर से मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ग्रुप में एडेड रही है ताकि अच्छे से अच्छे मैचेस आप लोगों को मेरी तरफ से कराए जा सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, पिन टू टॉप करके रखिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट कोई भी वीडियो पोस्ट होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना ना भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं वो हमारे साथ जुड़े रहें और आपके लिए अच्छे से अच्छा काम
मेरी तरफ से हो सके। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम यूज़र आईडी डिस्क्रिप्शन में है। तो जाके चेक कर लीजिए, टेलीग्राम ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। गुड लक।